मैं सब्जी धोने की दिखा रही हूँ। ये हमारा संक्रमणा का सन में त्योहार में बहुत सारी सब्जियाँ लेके आते हैं, तो ये कैसे वॉश करते हैं मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं इस तरह वॉश करती हूँ। तो सारी सब्जी मैंने बड़े बड़े काट लिया है, तो क्लीन कर लिया है, तो इसमें पानी में डाल रही हूँ। 3 या 4 बर्तन लिया है मैंने। हमारे यहाँ पानी की थोड़ी कमी है, इसीलिए मैं इतने बड़े बड़े के बर्तन लेके उसमें धो धो के निकाल रही हूँ। जैसे कपड़े धोते हो ना, ये कपड़ों को क्लीन करते हैं ना, वैसे ही कर रही हूँ मैं। सोप नहीं डाला है, आप मत समझना, मैं सोप डाल के वॉश कर धो रही हूँ। तो ऐसे ही पानी में निचड़ निचड़ कर ऐसे ही निकालना है, बहुत निचड़ना नहीं है, सिर्फ ऐसे हल्के हाथों से हिला हिला कर निकालना है। तो जो भी मिट्टी रहेगा ना वो बाहर आ जाएगा, और एक थोड़ा भी इसमें मिट्टी नहीं रहेगा इस तरह धोने से, और उसका स्वाद भी वैसा ही रहेगा। काट के हम सब्जी पूरा काट के हम डालेंगे तो उसका पूरा स्वाद पानी में निकल जाएगा और रंग भी निकल जाएगा। तो इसीलिए मैं बड़े बड़े ही सब्जी सिर्फ उसकी डंडियाँ, वेस्टेज डंडियाँ, सिर्फ वेस्टेज डंडियाँ निकाल देती हूँ मैं। तो पूरे के सारे सब्जी वैसे ही है, जो कीड़े कीड़े लगे हो वैसे सब पत्ते निकाल देती हूँ, सड़ा हुआ पत्ता भी निकाल लेती हूँ। तो इस तरह मैं सब्जी धो लेती हूँ त्योहार के लिए। बाकी टाइम में भी मैं छोटे छोटे बर्तन में छोटे छोटे कट करके ही धोती हूँ। तो इस तरह धोने से बहुत अच्छी रहती है, सब्जी का स्वाद भी बड़ा अच्छा आता है, और इसका जो भी सत्व है ना वो वैसे के वैसे रह जाता है। तो इस तरह आप भी क्लीन कीजिए और धोइए। इतना सारा तो आप नहीं कर सकते हो, तो ये मेरे एक साल में एक बार आने वाला त्योहार के लिए मैं ये सब्जी क्लीन कर रही हूँ। सब सब्जी धो लिया है मैंने, अब इसको काट रही हूँ। पहले नहीं काटा था मैंने, सब धोने के बाद ही काट के डाल रही हूँ। अब त्योहार का है ना हमारे घर पे, इसलिए त्योहार के लिए ये मैं सब काट कर त्योहार की हंडी में चढ़ा दूंगी। इस तरह मैं सब्जी धोकर काट लेती हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।